इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में G20 बैठक पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने से इनपुट मिलने के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। खबर है कि सीमा पार से घुसपैठ हो सकती है। कठुआ, जम्मू और सांबा सीमा से आतंकी घुसपैठ कर आत्मघाती हमले कर सकते हैं। तो वहीं राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान की बैक टीम घात लगाकर सुरक्षा बल को निशाना बना सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोमल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, सीधे उनका रुख करते हैं। कोमल, आतंकी लगातार G20 समिट से बौखलाए हुए हैं, क्या और जानकारी मिल रही है इस खबर पर? देखिए, G20 की बैठक अब कुछ दिन ही बाकी हैं और ऐसे में वो असफल करना चाहते हैं क्योंकि बार बार वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। ऐसे में G20 की बैठक का होना उनके लिए बौखलाहट का कारण तो बन ही रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये विफल करना है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारी सेना ने अपनी पैनी नजर बनाई हुई है हर तरफ। लेकिन एक बड़ी कामयाबी देखिए अब यहाँ पर ये मिल रही है कि पाकिस्तान वाले जो इलाका है जम्मू कश्मीर का POK, वहाँ से एक 27 साल का लड़का है जो कि रात को घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था और सेना की नजर पैनी थी, कड़ी नजर बनाई थी उनको, नजर जैसे ही पड़ी, जैसे उसको लगा कि भारतीय सेना को वो क्रॉस कर रहा है तो उन्होंने उसे गिरफ्तार किया है। और रात से ही अभी तक पूछताछ चल रही है कि क्या कारण थे, वो किस तरह के किस लिए वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, पूछताछ जारी है। कुछ देर में हमें रिपोर्ट्स भी मिल जाएगी कि किस लिए वो लड़का जो है वो 27 साल का मोहम्मद उस्मान जो है वो POK में जो रहता है वो क्यों जम्मू हमारी भारतीय सेना क्रॉस कर रहा था। एक तरफ G20 की जो बैठक है अभी पहले महीना था तब भी आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद है और उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।